सर पहली चीज तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नून लीग से आपने इत्तेहाद किया है, इसलिए कि नून लीग की नजरें कहा जा रहा है कि कराची पर हैं, सिंध के मैंडेट पे हैं, लेकिन इसमें एमक्यूएम का क्या फायदा है? क्या पंजाब के अंदर कोई आपके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई सीट वहां पे आपको दी जाएगी? वो निस्बतन पुरानी जमाते हैं ना, उनका तो बुनियादी मसला इस वक्त अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने बुनियादी हलकों में सर्वाइवल का है कि वो वापस लें। नून लीग कोई बहुत ज्यादा उसको अर्जेंसी नहीं है कि उसको कराची में कोई सीट चाहिए बिल्कुल, और हमारी मुलाकात का कतई और कतई जो है वो हमारे मौजू जो गुफ्तगू का थे उसमें उसमें इलेक्शन तो कहीं था ही नहीं, जुजवी था। असल मसला हमारा जो था वो एक कौमी इत्तफाक राय, एक कम से कम कौमी एजेंडे पर, जिसमें हम पहले एक चार्टर बनाए हम और पीएमएलएन मुश्तरका तौर पे, जिसमें 6 रुकनी कमेटी हमने बनाई है, 3 हमारे 3 उनके, फिर 10-15 दिन में जब ये चार्टर तैयार होगा बाकी जमातों को दावत देंगे ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत के जो चैलेंजेस है उसका कैसे सामना होगा, आइंदा आने वाली जो पार्लियामेंट है कौमी असेंबली है उसको किन चैलेंज का सामना है, और उसमें अपोजिशन और हुकूमत की जो जमातें होंगी वो क्या आपस में बाहम वसीतर मफाद मुल्क के वसीतर मफाद में वसीतर मफाहमत और वसीतर इश्तराक अमल इख्तियार कर सकते हैं किसी कम से कम एजेंडे पर, ताकि लड़ाई झगड़ा कम हो, पार्लियामेंट यरगमाल कम बने, और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम है वो भी देखेंगे यार उनकी पार्लियामेंट पहली मरतबा काम कर रही है, अपोजिशन भी हुकूमत की कुछ चीजों को सराह रही है, हुकूमत भी अपोजिशन की कुछ बातों को अप्रिशिएट कर रही है, और दोनों का एक मिश्र का एजेंडा भी, तो क्या ये पाकिस्तान में कभी होगा जो पूरी दुनिया की जमहूरियत ठीक है हमारी जमहूरियत? अच्छा, इसमें इसमें सर एक और चीज ये है ना कि बड़ी बड़ा अच्छी आपने बात की कि एक तरह से मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन एक तासुर ये भी मिल रहा है कि आप लाहौर तो चले गए लेकिन साथ बिलावल हाउस चले जाते, आप सिंध में भी पीपल्स पार्टी मौजूद है, आपका वोट बैंक भी वहां पे है, तो बेहतर ना होता कि वहां से मुफाहमत शुरू होती ताकि अवाम की बेहतरी में हर कोई बेहतर किरदार अदा कर सकता? देखिए, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 सालों में सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को जिस तरह सौतेली माँ से भी बदतर सलूक किया, और जिस तरह बेदर्दी के साथ टैक्सों की आड़ में भी, और उसके अलावा जिसे भत्ता कहा जाए, चाहे वो जमीनों की बंदरबांट हो, जमीनों पर कब्जे हों, बदनवानी और करप्शन की ऊपर कायम होने वाली बदतरीन हुक्मरानी जिसके हिसाब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो इतनी ज्यादा पीपल्स पार्टी अपने इस परसेप्शन को लेके पूरे पाकिस्तान से तो सुगड़ गई थी। देखे ना, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बना ना 2008 में मुहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के सदके में, फिर तो उसके बाद पंजाब में कहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक किया, केपीके में कहाँ चला गया, बलोचिस्तान में कहाँ खड़ी है वो, खरीदो फरोख करके अपने साथ कुछ असेंबली के मेंबर मिला के, थोड़ा आजाद लोगों को अपने साथ मिला के बलोचिस्तान में थोड़ा बहुत अपनी ताकत को जमा कर रही, इनसे मसला थोड़ी, और पूरी पीएनपी तो जाने लगी थी ना पीपल्स पार्टी में, पर उनको ख्याल आई तो हम अपनी खुदकुशी अपने अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का रवैया सियासी जमातों को इलाहाब बना के माहदे करके मीसा के माहदे करके उनको यूज करना, अपना फायदा उठाना, उनको नुकसान पहुंचाना। पीएम में गए, अपना फायदा उठाया, अपना कद बड़ा किया, और फिर तो चूना लगा दिया पीएमएलएन को, पीटीएम से निकल गए। इसी तरीके से 4 साल में इलेक्शन में जाते अगर इमरान खान की हुकूमत को घर भेज ही दिया गया था तो इलेक्शन कराते, पीपल्स पार्टी लड़ती नहीं, हमें 1 साल हुकूमत लेनी चाहिए, मरवा दिया ये पीएमएलएन को। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब देखें, इसमें एक ये चीज़ भी है ना कि कराची के अंदर जो आप लोगों का पहले मैंडेट था, फिर हमने देखा कि जमात के अंदर भी एमक्यूएम में इख्तलाफात हुए, नई जमात भी बनी, तो अब दोबारा वो मैंडेट हासिल करना आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, हमारा मैंडेट, हमारा वोट बैंक, आप यकीन रखिए मैं कोई ऐसे ही खाली खुली दावा नहीं कर रहा, हमारा वोट बैंक मैंडेट कहीं नहीं गया, क्योंकि वो कंफ्यूज जरूर था, कुछ हमसे नाराज था, फिर मजमूई मायूसी, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को लेकर, फिर उसमें गैस की लोड शेडिंग ने एक और अजाब खड़ा कर दिया नया, बिजली का बहरान पहले ही था, फिर पानी का बहरान 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने K4 के मंसूबे को शुरू ही नहीं किया, 4 मरतबा डिजाइन बदला, 4 मरतबा उसका संघीय बुनियाद रखा, 4वीं मरतबा जब बिलावल आए ना उसके संघीय बुनियाद रखने वजीर हाउस में, जब खुर्शीद शाह की मिनिस्ट्री ने काम शुरू किया तो बिलावल जरदारी भुट्टो ने खुद का मुराद अली शाह से पक्के भाई अब ये मंसूबा शुरू होगा या इसी तरह से मुझसे फीसें कटवा दे रहे, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह रहे हैं।
तो इसका मतलब समझ जाए ना कि इनकी नाहली कैसी है, इनकी बदनीयती कैसी है, इनके मफादात क्या है, जमाती सियासी जाती लूट मार करो, और वो इतने खरबों रुपए जमा करो, 4 अरब रुपए इलेक्शन में आज लूट और बाद में कुछ सीटें खरीद लो, तो ये है इनकी ज्यादा। अब ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अर्बन सिर्फ शहरों में ही है इनका ये बेनकाब नहीं है, इनके चेहरे पलके दही सिंध में भी होगा, इसीलिए जी डी एक वहां पर मुतबादल के तौर पर सामने आई है, पी एम एल एफ ओ या डॉक्टर साहब अगर आप जी